नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर विजय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आईबीपीएस की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिस आया है दोस्तों, बम्पर भर्ती निकली है। टोटल पोस्ट हैं बैंक के लिए 4,336 पोस्ट हैं दोस्तों, और पोस्ट का नाम है पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी, जिसको हम बोलते हैं एमटी। ये आईबीपीएस की साइट आपके सामने है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी आपको वहीं से मिल जाएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं दोस्तों, आईबीपीएस की साइट में लेफ्ट में आपने यहाँ पे आना है। ये देखिए, यहाँ पे सीआरपी और पीओएमटी, यहाँ पे हम जाके क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे है दोस्तों, और स्टार्टिंग में ही है ये कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर पीओ एंड एमटी। तो इस पे हम क्लिक करेंगे जाके। उसके बाद जो है दो स्टेप हैं यहाँ पे, एक तो ऑनलाइन अप्लाई करने का और उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो हमने सबसे पहले जो है रिक्रूटमेंट यानी कि एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस देखना है, एडवर्टाइजमेंट हमने देखनी है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। तो अभी हमने सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखना है, तो हम इस पे जाके नीचे वाले लिंक पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को चेक करना है। तो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने डाउनलोड हो चुकी है। देखिए, आईबीपीएस की टोटल पोस्ट हैं दोस्तों 4,336 पोस्ट का नाम है पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर और एमटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अब सबसे पहले हम बैंक वाइज चेक करेंगे कि किस बैंक के अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, उसके बाद जो है पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हम चेक करेंगे। तो ये एनेक्जर है दोस्तों आपके सामने। स्टार्टिंग में है इलाहाबाद बैंक, टोटल वैकेंसी 500 है इसमें। उसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे है दोस्तों 890 पोस्ट हैं, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया की। और पूरे बैंक की अगर आपने डिटेल चेक करनी है, ये सभी बैंक्स के नाम हैं और ये जो है नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कॉरस्पॉन्डिंग बैंक जो भी हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है 4,336 पोस्ट हैं। अब रही बात इम्पोर्टेंट डेट्स की, हम चेक कर लेते हैं इसकी जो डेट है दोस्तों। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है 7 अगस्त 2019 से, और इसकी लास्ट डेट रहेगी 28 अगस्त 2019। तो आइए चेक कर लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले दोस्तों लिस्ट ऑफ बैंक्स हम देख लेते हैं जिन जिन बैंकों के लिए ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। देखिए, इलाहाबाद बैंक है इसमें, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पीएनबी, पंजाब एडिशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये टोटली बैंक्स हैं जिनके लिए ये आईबीपीएस का एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए, यहाँ पे है इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 7 अगस्त 2019 से, और इसकी लास्ट डेट रहेगी 28/8/2019। लास्ट डेट का बिल्कुल भी आपने वेट नहीं करना दोस्तों, तुरंत आपने अप्लाई करना है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। और पेमेंट जो है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, ये जो है आपकी इन्हीं डेट्स के बीच में आप जमा करवा सकते हैं, 7/8 से लेकर 28/8/2019 तक। उसके बाद जो है कॉल लेटर, जो प्री एग्ज़ाम की ट्रेनिंग का जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा आपका सितंबर में, और जो कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है ये वो चलेगी आपकी 23/9 से लेकर 28/9/2019 तक। और जो डाउनलोड कॉल लेटर आपके होंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो प्री का एग्ज़ाम है, प्री के एग्ज़ाम के लिए जो है आपके कॉल लेटर डाउनलोड होंगे अक्टूबर 2019 से। देखिए, आपको याद दिला देते हैं कि इसके अंदर ऑनलाइन दो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, एक तो प्री एग्ज़ाम होता है, एक होगा मेन। दोनों ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, टू फेज का एग्ज़ाम होता है ये, और उसके बाद जो है इंटरव्यू होता है, और बाद में जो है फाइनल लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लगाई जाती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है इनका आपने ध्यान रखना पूरा। अब जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है प्री का, वो होगा आपका 12/10/2019, 13/10/19/10 और 20/10 को। उसके बाद है रिजल्ट आएगा प्री के एग्ज़ाम का अक्टूबर नवंबर में, और उसके बाद है जो मेन का एग्ज़ाम है उसके कॉल लेटर डाउनलोड होंगे आपके नवंबर में, और जो मेन एग्ज़ाम है दोस्तों ऑनलाइन वो होगा 30 नवंबर 2019 को। आपको बता दिया गया है दोस्तों इसी वीडियो में कि इसके अंदर दो एग्ज़ाम होते हैं ऑनलाइन, एक तो प्री होगा और एक मेन एग्ज़ाम होगा, यानी कि टू फेज एग्ज़ाम होंगे इसमें। और उसके बाद जो इसका रिजल्ट है मेन का, वो आएगा दिसंबर 2019 में, और उसके बाद इंटरव्यू होगा दोस्तों। फाइनल प्रोसेस इंटरव्यू का ही है, इंटरव्यू आपका जनवरी में होगा, यानी कि कॉल लेटर डाउनलोड जनवरी में होंगे और इंटरव्यू आपका जनवरी और फरवरी में होगा। और लास्ट में जो अलॉटमेंट है, प्रोविजनल अलॉटमेंट है, अप्रैल 2020 तक, यानी कि आपका पूरा प्रोसेस जो है अप्रैल 2020 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इन इम्पोर्टेंट डेट्स को आपने ध्यान रख के ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो ये है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट्स। अब बात करते हैं एज की और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की।
देखिए एज का यहाँ पे है, क्लियर मेंशन है बिल्कुल, ताकि कोई डाउट ना रहे कैंडिडेट को। जनरल कैटेगरी के लिए एज 20 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए दोस्तों। और नियमानुसार छूट है, SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की छूट है, OBC के कैंडिडेट को 3 साल की छूट है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल की छूट है, एक्सर्विसमैन के लिए 5 साल की छूट। और उसके बाद जो है, जो कैंडिडेट हैं दोस्तों JNK के केस में, उनके कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है। और जो 1984 के रॉयट्स यानी कि दंगों से प्रभावित हैं, अफेक्टेड पर्सन हैं, उनके लिए भी 5 साल की छूट है। तो एज में छूट है नियमानुसार जो भी है। उसके बाद है दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बिल्कुल क्लियर मेंशन है दोस्तों कि कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए। ए डिग्री, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, आपने BA BCOM या BSc किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है इसके अंदर ऑनलाइन एग्ज़ाम का सिलेबस यहाँ पे दिया है, इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपने तैयारी करनी है। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है, इसमें प्री एग्ज़ाम जो है, सबसे पहले प्री के एग्ज़ाम की बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर की, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी है दोस्तों 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होंगे दोस्तों। और ये 20-20 मिनट का टाइम इन्होंने डिवाइड किया है। ये है प्री के एग्ज़ाम की। और अब बात करते हैं मेन का एग्ज़ाम, वो इसके नीचे यहाँ पे दिया है। देखिए मेन का एग्ज़ाम ये है, इसमें आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है वो 45-45 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन है 40 नंबर के, और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 नंबर 35 क्वेश्चन है दोस्तों 60 नंबर के, और उसके बाद टोटल जो है 155 क्वेश्चन हो गए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और मैक्सिमम मार्क्स हो गए दोस्तों 200। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लेटर राइटिंग और SC के जो है 2 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, ये टाइम यहाँ पे डिवाइड है दोस्तों यहाँ पे। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज और लेटर राइटिंग वाला मामला है, इसमें 30 मिनट का टाइम रहेगा, और जो ऊपर है प्रोसेस है दोस्तों उसके लिए 3 घंटे का टाइम इन्होंने डिवाइड किया है। सबसे मेन बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे है, ये देखिए आपको पता है बैंकिंग में IBPS में नेगेटिव मार्किंग होती है, क्लियर मेंशन है बिल्कुल कि 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें, नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग ही आपने तैयारी करनी है। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर की। तो एग्ज़ाम सेंटर से पहले दोस्तों फीस की बात करते हैं। देखिए फीस रहेगी SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 100 रुपये फीस है, और बाकी जो है सबके लिए 600 रुपये फीस है। इसमें जो है फीस की पेमेंट आप करवा सकते हैं नेट बैंकिंग से, बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट क्रेडिट कार्ड किसी भी तरह से आप ऑनलाइन पेमेंट करवा सकते हैं। तो ये फीस यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद जो है इन्होंने मोड ऑफ पेमेंट का आपको बता ही दिया है, यहाँ पे मेंशन है वैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप जो है इसकी पेमेंट करवा सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे मेंशन है दोस्तों। अगर नॉर्थ की हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे है नॉर्थ की बात, चंडीगढ़, ये तो है प्री के लिए और ये है मेन के लिए यहाँ पे। तो चंडीगढ़ में प्री के लिए चंडीगढ़ और मोहाली है, मेन के लिए भी दोनों हैं दोस्तों चंडीगढ़ और मोहाली। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे है दिल्ली का, दिल्ली, नई दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम, ये हैं प्री के लिए और ये यहाँ पे मेन के लिए हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो इसके एग्ज़ाम सेंटर हरियाणा में भी हैं दोस्तों, यहाँ पे ये प्री के लिए हैं हरियाणा के सेंटर और ये मेन के लिए हैं। देखिए प्री के लिए है अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और यमुनानगर हैं, और मेन के लिए अम्बाला और हिसार सेंटर हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर की भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है तो दोस्तों ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन IBPS के रिगार्डिंग, 4336 पोस्ट के लिए। आपको याद दिला देते हैं दोबारा से कि इसकी स्टार्टिंग डेट हो चुकी है स्टार्ट दोस्तों 7 अगस्त 2019 से, इसकी लास्ट डेट रहेगी 28 अगस्त 2019। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है ग्रेजुएशन, और एग्ज़ाम होंगे दोस्तों सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा, दोनों एग्ज़ाम दो ऑनलाइन होंगे दोस्तों, 2 फेज एग्ज़ाम है ये, उसके बाद लास्ट में इंटरव्यू होता है। एज इन्होंने मांगी है 20 से लेकर 30 साल जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए फीस है 600 रुपये, SC ST फिजिकल हैंडीकैप और SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए फीस है 100 रुपये। पोस्ट का नाम है दोस्तों PO प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसको शेयर करें आप चैनल से को, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।